अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, क्या हालचाल है आपका। वेलकम करते हैं आपको इटली पाकिस्तान मिक्स व्लॉग चैनल में। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं बच्चों को लेके जा रही थी बाहर चैंत्रों में, तो मैंने सोचा कि बड़े खूबसूरत से व्यू है तो आपको प्यारे से व्यू दिखाए जाए, आप ये देखें और हमारे व्लॉग को इटली से एंजॉय करें। तो चलें आपको लेके चलती हूँ खूबसूरत से व्यू के साथ चैंत्रों में, मज़े मज़े के व्लॉग और प्यारे प्यारे से व्यू आपने एंजॉय करने हैं, साथ रहना है। चले चलते हैं, फिर आपको आगे जाकर मिलती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर बादल बड़े खूबसूरत हैं, जैसे मैं तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। वालेकुम अस्सलाम मोई साहब, क्या हाल है आपका, आप ठीक हो? चलो फिर हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ना बच्चे जाने लगे थे बाहर चैंत्रों में, क्योंकि छुट्टियाँ होने वाली हैं, ख़त्म थोड़ी सी रह गई, तो बच्चों का दिल है कि हमें ले कर चलें बाहर। तो मैंने कहा चलो आ जाओ फिर चलते हैं, तो चलें आपको चैंत्रों में जाके मिलते हैं फिर। अच्छा जी, गल इस तरह है कि भैनों भराओ वेखो ना, बार बंद हुई लाइटा आदियाँ बंद ने, तो एक लाइट ऑन है ताकि मतवजो रहे कि इधर कोई चीज़ है। तो दूसरी बात है कि अगस्त का महीना, अगस्त के महीने में सड़क होंदिया ने खाली, तो नवेरा के पापा जो है ना वो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं शुक्र है सड़कें खाली हैं, बंदा जिधर 20 मिनट में पहुँचना होता है 10 मिनट में पहुँच जाता है, रश कम होता है। ठीक है जी, तो चलें फिर इंशाल्लाह हम आपको जाके आगे खूबसूरत से ना चैंत्रों के व्यू दिखाते हैं। दिन के व्यू तो काफ़ी बार आपको दिखा चुकी हूँ, हूँ तुम रात के व्यू व्यू होने हैं। ठीक है जी, आपने हमारे साथ साथ रहना है, व्लॉग को एंजॉय करना है। तो मैं आपकी बहन आपकी सिस्टर इटली से आपको वेलकम करती हूँ। तो चलें जी, मिलती हूँ आपसे फिर से आगे जाके। यहाँ पर 2-3 बारें हैं जिसके ऊपर शाम का थोड़ा बहुत छोटा मोटा खाना सा होता है जो खाते हैं, उसके ऊपर लाइटिंग इतनी खूबसूरत है। मैं आगे गुजर रही थी तो बनाने से की वीडियो, मैंने कहा एक व्यू आपको दिखाऊँ, ये देखें इस तरह यहाँ पर जी रौनक शौनक लगी हुई है। तो नवेरा आपने खुद भी डिगना था और मुझे भी डिगा देना था, पीछे मुड़ी तो नवेरा मेरे साथ बिल्कुल खड़ी थी, मुझे नज़र ही नहीं आई थी, इसने भी डिगना था तो मुझे भी इसने डिगा देना था। तो यहाँ पर अग्गे आए तो अग्गे फिर ये जी एक छोटा सा इसी तरह ना खाने के लिए खोखा नहीं होता जैसा, ऐसे का छोटा सा होटल बना हुआ है, साथ ही एनको की दुकान है। तो इसी तरह ना हमारी चैंत्रों में ना माशाल्लाह काफ़ी सारी दुकानें जो ना बन गई हैं, पहले कम थी हूँ ज़्यादा हो गई हैं, दुकान दे नाल दुकान हो गई। ठीक है जी, तो आपने हमारे साथ साथ रहना है, हमारा खूबसूरत सा व्लॉग जो शाम का है आपने इंजॉय करना है। तो अगर आपको इंजॉय करें अच्छा लगे इटली से हमारा व्लॉग, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और खूबसूरत खूबसूरत से कमेंट करने। जो बहन भाई हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। तो अब हम ना चलते हैं आगे चैंत्र में जाकर मिलते हैं आपसे। अच्छा, नवेरा कह रही है इटली में बहुत परफ्यूम होता है, नाक में घुसता था फिर पता चलता है, खुशबू जब आती है फिर पता चलता है ये तो परफ्यूम की खुशबू है। तो आपको भी आ रही है खुशबू कि नहीं, आपने स्पेशल मैसेज करके बताना है जो नवेरा ने आपको बताया है। ठीक है जी, कि यहाँ के परफ्यूम की खुशबू आपको आई है कि नहीं आई, तो मुझे भी आ रही है वाकई। ये है कि यहाँ पर हम चैंत्रों में पहुँच गए, तो यहाँ पर देखें ये तीन ना यहाँ पर बार हैं, दो तो वो आ गए साथ साथ, एक ये है और इसकी बार जो वो आपको गमलों के पीछे नज़र आ रहे हैं ना शीशे, वहाँ पर बार है, यहाँ पर ओपन बैठी हूँ मैं, क्योंकि गर्मी है तो अंदर जगह थोड़ी होती, छोटी होती है ना अंदर से दुकान, तो वो बाहर फिर ओपन जगह बना लेते हैं तो बाहर ही बैठ के खाते हैं। सर्दियां गर्मियों में इन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया होता है, यानी कि सर्दियों में इन्होंने हीटर लगाए होते हैं बाहर, वो मैं अक्सर सर्दियों की वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर देखें ये दो बार है साथ साथ, तो काफ़ी रश है इसके ऊपर। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं, आगे आपको खूबसूरत से चैंत्रों के व्यू भी दिखाते हैं, वहाँ पर भी देखें कितना रश है। और जनाब ये साथ ही आ गया चर्च इसके, तो चर्च के ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं काफ़ी। इधर भी ये देखें, मैंने आपको बोला था दो बारे हैं, एक ये है और एक ये इधर है, पुत्र मेरा एक राउंड लेके आ भी गया है। तो ये आगे हमारी चैंत्रों का खूबसूरत सफवारा, तो ये देखें कितने लोग बैठे हुए हैं, ये देखें कितना रश है यहाँ पर। ठीक है जी, अभी हम चलते हैं इस तरफ, आपको खूबसूरत सफवारा जो है ना पास से दिखाती हूँ जाके। छोटे छोटे से बच्चे इधर साइकिल चला रहे हैं, उनके वालदैन वगैरह जो होते हैं कुछ बेंचों पर बैठे हैं, कुछ उधर चर्च के ऊपर वो देखें बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ फवारे के पास बैठे हुए हैं। तो अभी हमारे बच्चे भी खेलते हैं, हम भी थोड़ा सा यहाँ बच्चों को खिलाते हैं, एंजॉय करते हैं। इस तरफ भी ये देखें ना 2-3 बार जो इधर है, तो ये जो आगे रास्ता जा रहा है इस तरफ मेरे बच्चों का स्कूल है, इंशाल्लाह स्कूल खुल जाएंगे फिर आपको जैसे हम डेली रूटीन की वीडियो आपके साथ शेयर करते थे आपको दिखाएंगे। इस तरफ टोगेटा मार्केट है बड़ी खूबसूरत सी, यहाँ से इस तरफ घूम के आए तो यहाँ पर एक ब्लू किट मार्केट है लेकिन इस वक्त वो बंद है। गल इस तरह है कि हम लोग इधर बैठे हैं तकरीबन आधा घंटा हो गया, मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब मगरब की नमाज़ पढ़ के हम लोग आए थे, ईशा की नमाज़ अभी काफ़ी टाइम है। तो यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये देखें मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाती हूँ। तो पुलिस की गाड़ियाँ इसलिए यहाँ पर खड़ी होती हैं, कोई आपस में झगड़ा ना करे, कोई लड़ाई वगैरह ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को ना कंट्रोल करने के लिए खड़े होते हैं।
तो सारी चैंतरों का मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ, देखिए कितनी खूबसूरत रौनक लगी हुई है। गर्मियों में इसी तरह लोग आते हैं बाहर ही ना, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये फवारा है और वहाँ से इस तरफ घूमते हैं तो ये देखिए कितने खूबसूरत प्यारे व्यू हैं। ये जी इटली का एक क्या कहते हैं शहर है गलराते। तो यहाँ पर मैं आपको चर्च का खूबसूरत सा व्यू दिखाती हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त तो बड़े अच्छा। यहाँ पर मुइज़ को मुइज़ के दोस्त मिल गए हैं। मुइज़ जो है ना वो इतनी खुशी से उनके साथ खेलने लग गया, मुइज़ से पहले तो ऐसे ही उदास हो रहा था, अब सही खेलने लग गया। तो चले बच्चे थोड़ी देर और खेल लें, खूबसूरत से व्यू आप देखें एंजॉय करें, मैं आपसे दोबारा से मिलूंगा। जी 10 बज गए, हम जाने लगे हैं घर। शाम के खूबसूरत व्यू और शाम के खूबसूरत यहाँ पर देखे पुलिस वाले खड़े हैं, तो वो कोई बंदे को रोक के ना उससे बातें चीत कर रहे हैं, मतलब वो डॉक्यूमेंट वगैरह जो ना चेक कर रहे हैं। हाँ जी वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, कोई बंदा मतलब कोई प्रॉब्लम है या कोई मसला मसाइल हो ना फिर इस तरह कंट्रोल करते रहते हैं। तो इन खूबसूरत शाम के व्यू से इटली से हम नवेरा कहती रात होगी, नवेरा की बात सही, नवेरा अभी रात होने वाली है। तो आपसे चाहते हैं इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे किसी और खूबसूरत से ब्लॉग में, किसी अच्छी सी वीडियो में। आपने हमारी वीडियो पूरी देखनी, वीडियो को लाइक कमेंट करना है। अल्लाह हाफिज़।